सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। परम सन्मान्यो गुरु रू गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक आस राखो मन माहे, सर्ब रोग नानक मिट जाहे। गुरु जी कहते हैं अपने मन विच एक प्रभु की आस रखो, फिर थोड़े सारे रोग मिट जाएंगे। जिमें मोहिना सोहिना दे मन विच अखीर तक एक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे दर्शना की आस रही है। रायपुर के रहने वाले एक अमीर घराने दे मोहिना सोहिना इस्त्री भरता सन। एक बैरागी फकीर ने इन्हां नूं ठाकुर पूजा सिखाई ते भगती दी जाच दसी। भावें पैसे दी तोड़ नहीं सी, पर जद भगती दा रंग चढ़िया तां उन्हां ने अमृत वेले उठना, खूह ते जा के इशनान आदि करन दी किरिया शुरू कर दित्ती। जल लिया के ठाकरां नूं इशनान कराउंदे ते धूप तखाउंदे सन। घर लाए फुल्लां दी माला परो के ठाकुरां दे गल विच पाउंदे ते उस तों बाद कीर्तन करदे सन। एक दिन दोवें जणे ठाकुरां दे इशनान वास्ते पाणी लिया रहे सन कि एक गुरमुख आदमी भज्जा आया, जिसनों एक करारा फट लगा सी अते त्रेह नाल घबराया होया सी ते इन्हां दे पैरां पास हफ के डिग्गा ते पाणी पाणी करन लग पिया। इह दोवें जणे त्रबक पए, पर यह सोच के ठाकुरां वास्ते सुचा जल लिजाणा है, अगे तुरन लगे, पर वह फिर मच्छी की तरह तड़फदा है ते पाणी पाणी कूकदा है, परंतु यह घेस मार के टुर पए। उहदी अखीर आवाज़ जो इन्हां दे कन्नी पई वह ए सी, नाले प्यार नाले दो घुट पाणी तो तरसाणा, दर्शन नहीं जे देण लगा। यह सुन के भी दोवें तुरी गए, घर जाके अपने नितनेम अनुसार सारी किरिया कीती, पर अज मन उचाट ही रहा। अखीर घबरा के उठे ते पानी लैके तुर पए, पर उत्थे जाके की देखिया, वह तां खत्म हो चुका सी। इन्ने नूं एक पास्यों पांच सात आदमी आ गए ते बोले एहो है। पुछण तो पता लगा कि यह सूरबीर महाभजनीक साधु सी, आनंदपुर वाले गुरु जी का सेवक सी। अज एक गरीब टोले ते डाके पए की आवाज़ सुन के उन्हां दी मदद लई पहुंचया ते डाकुआं नूं भजा दिता ते टोला वाल वाल बचा दिता, पर आप जख्मी हो के भज पिया ते इत्थे आ के इस हालत विच लब्भा है। हुण उहदे कहे होए शब्द कन्नां विच गूंजण लगे, दर्शन नहीं जे देण लगा, अते अपने आप नूं तिरकारां दिंदे हन, पर ओह समां लंघ गया। नानक समयों रम गयो अब क्यों रोवत अंध। रायपुर दी राणी सतगुरां दी प्रेमण सी, उहनूं जिस वेले पता लगा ते ओह बड़ा रोई, ओह बड़ा पछताई ते कहण लगी, मेरियां सिक्कां ते उम्मीदां दे मालका हे जगत तारक सतगुरा, मैं उस सिख दी कुछ भी सेवा ना कर सकी। मेरे राज विच ही तेरे प्यारे लई सीस कोई हिस्से आया, उसकी सेवा साथों कुछ ना हो सकी। यह किरने कर ही रही सी कि उसकी सतसंगण माई आ गई, राणी नूं धीरजता दित्ती अते कहण लगी, रोया तां कुछ नहीं बनता, तू दुख ना कर, तेरा दोष नहीं, सो तू धन पाग जान के इस दे मृतक शरीर का संस्कार कर दे, ता के जिस शरीर विच नामी परमात्मा वसदा सी ओह रुले ना। यह सुन के राणी ने बड़े सत्कार नाल उसका संस्कार किया अते उसकी याद विच उसे जगह ते एक मठ बनवाया। छेती ही ओह भागे भरिया दिन आ गया कि दयालु सतगुरां ने रायपुर चरण पाए। राणी सुन के बड़ी खुश हुई
राणी ने बड़ी सेवा की अते जीवन मुक्ति मिल गई अते अनगिणता नू जी दान मिलया। मोहना अते सोहना ने सुनया बड़े दुखी सन, रात दिन व्याकुल रहिंदे सन, ये भी दर्शन करन गए, परंतु जिन्नी वारी भी यह दर्शन करन गए उन्नी वारी ही दर्शन नहीं होए अते कन्ना विच ओहो आवाज़ गूंजे, दर्शन नहीं जे देन लगा। जदो चोजी सतगुरु जी तुरन लगे ता यह रस्ते विच कोई मील को जाके खलो गए, संगतां तां सारियां उधरों लंघियां, पर चोजी पातशाह ने अपने घोड़े दा रुख खेतां वल कर लिया अते उधर दी लंघ गए। हुण दर्शना दी भुख करारी हो गई अते पक्का विश्वास हो गया कि सिख दे बचन अटल हन, दर्शन साडे भागां विच नहीं हन। रात दिन सोचां विच बीतण लगा, अखीर एहो ही निश्चा पक्का कीता कि माल मिलख वेच के दान पुन कीता जावे अते लोड़ींदियां थावां ते खूह लवा के धर्मशाला बनवा के अते आप गरीबी दा पाणा पा के उस चोजी प्रीतम दे दुआले चले जाइए। सो इसे तरह करके अमीरी त्याग के गरीबी लिवास विच श्री अनंदपुर साहब वल चाले पा दिते। श्री अनंदपुर साहब पहुँच के भी सतगुरां दे दर्शन नहीं होए, अंदर प्रेम दी चिणग चैन नहीं लैण दिंदी। हुण दिल विच सोच आई, अगर सतगुरां दे बाग विच मजदूर दी जगह मिल जावे तां सेवा ही कर लईए, वेले वेले पटारियां ते टोकरियां बना के अपना गुजारा कर लिया करांगे। इसे आस्ते बाग दे वड्डे माली केसरा सिंह पास पहुँचे अते बेनती कीती। 5-7 दिन काम करा के माली ने देखिया सियाणे हन, नौकर रख लिया, बाग दे पिछले पासे कोठा रहण वास्ते दे दिता। प्रेमिया दी सेवा ने बाग दा नक्शा ही बदल दिता। एक दिन श्री दशमेश जी सैर करदे करदे एक सुंदर कैरे नूं देख के बड़े खुश होए अते केसरा सिंह नूं शाबाश दिती। उसने हाथ जोड़ के आख्या, स्वामी जी, आप जी दी कृपा दी भुख तां सदा है, पर यह कम छोटे माली दा है जो थोड़े दिनों तो बड़े प्रेम नाल सेवा करता है, रोटी कमा के खाता है, आप दे चरणा दा गुजा प्रेमी है। सतगुरु जी सुन के चुप हो गए अते ए कहंदे होए चले गए, दर्शन नहीं जे देन लगा। माली ने ए गल सोहना नाल कीती ते जद सोहना ने घर जाके दसी तां उहना ने ए समझिया कि अंतरजामी ठाकुर जी एहो ही हन, अते उहना ने शुकर कीता कि दर्शन नहीं तां सेवा ही सही। माता जीतो जी ने जदों इहनां दी विथिया सुनी ਤਾਂ ਮੋਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੋਹਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਅੰਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਐਡੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ? ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਘੱਲਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। माता जीतो जी बोले, मेरिया तां सारियां वाड़ियां हन, कोई टैलेंट नहीं, पर तू तां मेरी बच्ची है, जो उपमा मैं सुन के तेरे पास आई हाँ तू ओह पूरी कर। मोहना ने सरंदा ला के बड़े प्रेम नाल सुर छेड़ी अते शब्द पढ़न लग पई, हर बिन क्यों रही है दुख व्यापै, जेहवा साध ना फीकी रस बिन, बिन प्रभ काल संतापै, जब लग दर्शना बरसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी। माता जी इतने प्रेम नाल सुनदे रहे अते मोहना गौंदी रही। लोडा पहर हो गया, माता जी हुण तुरन लगे, पर मोहना ने जान ना दिता अते बड़े प्रेम नाल अखरोट बदाम ते अवजोश अते नाल जल पानी रख्या। माता जी प्रेम दे रंग अगे ना ना कर सके अते वाहिगुरू तू धन है कहा अते मूँह चोलिया। हुण माता जी जान लगे तां मोहना दियां अखां भर आईयां अते निटाल हो के ढह पई। माता जी ने सिर ते हाथ फेरिया, प्यार दिता, गोदी विच सिर रख के कहा, मोहना तैनू हुण क्यों फिकर है? मैं जो तेरे सारे फिकर लै लिते हन,
सारे कारज ठीक हो जाणगे। तुसी नाल नाल नितनेम भी करया करो। सत बचन कह के मोहना उठी ते माता जी चले गए। माता जी दा नेम सी कि वह अमृत वेले उठ के इशनान करके नितनेम करन लग पेंदे सन। जदों महाराज जी दीवान विच जांदे सी तां माता जी चरणा ते मत्था टेक के सेहरा गले विच पा के टोरदे सन। फिर सूरज चढ़े तक इस रूप नूं नैणा विच वसा के मगन बैठे रहिंदे सन। केसरा सिंह रोज़ सेहरे लई फुल माता जी नूं आप पहुँचाया करदा सी। एक दिन केसरा सिंह भुल गया। माता जी ने सवेरे सवेरे मोहना वाल आदमी भेजिया अते कहा, एक सेहरे जोगे फुल भेज दिओ, अज फुल किधरों नहीं आए, साडे नितनेम विच भंग ना पै जावे। दोवें जी खुशी विच नच उठे अते प्रेम नाल फुल्लां नूं तोड़दे हन अते नाल नाल फुल्लां प्रति बोलदे हन, नेक नसीब तुहाडे मित्रो, जिन्ना जाए पिया गल पैणा, वाह उगणा ते सोफल लगणा, खिड़ खिड़ हासा सरहणा, वाह त्रुटना वाह सूई चढ़ना, वाह गुंदे रल बहना, वाह हसण वाह रोण तुहाडे, जिन्ना जाए पिया गल पैणा। इउं प्रेम भरे प्रेमिया ने सोहणे सोहणे गेंदे दे फुल अम्मी जी लई एक सोहणी पटारी विच पा के घल दित्ते। माता जी ने सेहरा परो के रोज़ दे नेम अनुसार गले विच पा दिता। महाराज जी ने कहा, जीत जी, इहदे विचों प्रेम की खुशबू आउंदी है, पर की करां, एक साईं दा ज्यौंदा बंदा ये वाक इहनां लई कह गया है, दर्शन नहीं जे देण लगा। गुरु मारे तां सिख बख्शा लैंदे हन, पर सिख मारे नूं गुरु नहीं बख्शदे। माता जी आप करन कारण हो, आप दा बिरद पतित पावन है, पर मैनू प्रसन्नता ते बल बख्शो जो मैं इस वार भैण नूं आप दे दर जोगा कर सकां। कलगियां वाले जीत जी, वाहिगुरु बल देवे, तुसी इस जोड़ी दा संकट हरो, अते ए कहिंदे होए दीवान विच चले गए। हुण माता जीतो जी इहनां नूं प्रभु प्यार विच जोड़न लग पए। सतसंग दी वार्तालाप करनी हुण दोवां दी बिरती खिंडाओ विच घट जांदी है। दर्शनां दी सिख अगे नालों ज़्यादा है, निराशा ते तोट नहीं है, शुकर ते आस है कि सतसंग वाले कदे विछड़दे ही नहीं। हुण माता जी ने कहा, प्रीतम जी दी वरे गंढ वाले दिन असी मोतीए दा सेहरा पाईए, तुसी मोतीए दे फुल तैयार करो। रात दिन एक करके सेवा ते प्रेम नाल इन्हां ने बेबहारे फुल तैयार किते। जदों उह सुभागा दिन आया अते फुल भी लह लह करदे तैयार हो गए, मोतिया गेंदा खट्टा गेंदा अते गुलदौंदी। एक फकीर उधर बाग विच आ निकलिया अते बेबहारे फुल वेख के मोहना दे दरवाजे आ खड़ोता, कहण लगा, अलख अलख मालण, फकीर आए हन, खैर पा दे। मोहना अंदरों बुक आटे दा लियाई, दरवाजा खोलिया ते फकीर नूं देण लगी। तां फकीर ने कहा, ये मैं नहीं लैंदा, मैनू तां फुल चाहीदे हन। उधरों सोहना जी आ गए, सुन के डर गए, फकीर साईं यह मालक दी चीज़ है ते इहदे विच मेरा कोई नहीं, जो मैं देवां तुसी वड्डे माली नूं पुछ लो। फकीर हुण शराब दिंदा तुर गया, तेरी जड़ ना मेख। मोहना ते सोहना ने शुकर कीता, आखण लगे, ऐतकी ठाकुर दे बालके ने असीस दित्ती है, असी कदों जड़ मेख चाहुंदे हाँ, पुट्टी ही जाए तां चंगा है। अंदर बैठ के कीर्तन विच जुड़ गए ते परमेश्वर दा शुकर करन लगे। रात बड़े आनंद नाल सुते, सवेरे अमृत वेले उठे, नितनेम करके नियम अनुसार बाहर आए तां की देखिया, शीशे भज्जे पए हन ते फुल सारे ही टाणियां नालों टुटे पए हन, बाग वैरान होया होया है। मोहना ते सोहना नूं वेख के बड़ी शर्म आई कि असी अम्मी जी नूं की आखांगे, जिन्हां ने जीवन पद बख्शिया असी उहनां वास्ते फुल्लां दी राखी भी ना कर सके। हाए नींद हाथ आ रही है, ये की कीता, शरीर मुड़का मुड़का हो गया, कलेजा धड़क उठ्या अते धड़म करके बाग विच डिग पए अते अणहोशियां लोथां स्थार हो पईआं।
कलगियां वाले पातशाह का दीवान लगा होया है। चार चुफेरे संगतां जुड़ियां बैठियां हन अते कीर्तन का आनंद माण रहियां हन। जदों भोग पिया तां भेटां पेश होईयां। उस फकीर ने सुंदर पटारी बेबहारे फुलां दी भरी होई लिया के सतगुरां दे अगे धरी। गुरु जी बोले, फकीर साईं, फुलां विच खुशबू नहीं गम दी आवाज़ है। बेजुबान फरियाद करदे हन, की फरियाद करदे हो बई? इह कहिंदिआं नैण मीट लए, जद खुले तां विचों दो मोती किरे ते आवाज़ दित्ती, फकीर साईं, फुल नहीं तोड़े दो दिल तोड़े हन। मेरे लाल आखदे वड्याईआं ते सब मर्यादा नूं पासे रख के दौड़ी जांदे हन। ओ देखो, दुखियां दे दुख दूर करन विछड़िआं नूं मिलणहार सतगुरु प्रेम दे अवतार मेहरां दे साईं प्रीतम जी दौड़ी जांदे हन। माता जीतो जी भी सुणदिआं सार ही पहुँच गए हन अते मावां तों वधीक मोह वाले दाते सतगुरु जी भी पहुँच गए। मेरे लाल कहिंदिआं ने दोवें सीस गोद विच लै लए, सिर ते हथ फेरदे हन, प्यार नाल अखां पूंजदे हन। जागो प्यारिओ, होश करो, गुरु के लालो, देखो तां सही दीन दुनी दा मालक त्रुट पिया है। माता जी ने मोहना दे हथ फड़े होए हन, घुटदे हन ते आखदे हन, बच्चिओ अखां खोलो। दर्शन देन लगा जे सतगुरु दे पवित्र हथां ने आप उन्हां दे मूँह विच अमृत पाया, छिट्टे मारे, अखां खोलो मेरे बच्चिओ, निहाल निहाल निहाल। हुण हौली हौली अखां खुलियां, पर दर्शना दी ताव ना चल सके अते निटाल ही पए रहे। आहिस्ता आहिस्ता सुरत परती, कलगियां वाले ने अपने आत्मक बल नाल सहारा दे के उठाया। ज्यों ज्यों पिता ने बच्चों की पिठ ते हथ फेरिया, सुरत फिरी ते उठ के बैठ गए। माता जी ने कहा, बच्चिओ सफल सफल यात्रा सफल। प्रेम दे सिकदे नेत्र राज दे नहीं, बार बार चरण चुमदे हन अते अंदर एक चरनाहट छिड़दी है। हुण मोहना ते सोहना नूं ज्ञान आया कि सतगुरु जी पूंजे बैठे हन। बेअदबी हो रही है, हाथ जोड़ के बोले, ठाकुर जी बड़ी बेअदबी हो रही है, मेहर करो। हुण माता जीतो जी अते महाराज जी दोवां नूं नाल लै के अंदर कच्ची कोठी विच आ गए। सरौंदा ते वीणा लै के दोवें बैठ गए ते गाया, जो तेरी सरनाई हर जियो तिन तू राखण जोग, तुद जेवड मैं अवर ना सूझै ना को होआ ना होग। ओ फुल्लां दी पटारी माता जी ने उन्हां दे हवाले कीती, सो दोहां ने वक्त सिर सेहरे परो के माता जी नूं दित्ते। माता जी ने आप भी ते उन्हां दी हथी भी महाराज जी नूं भरे दीवान विच सेहरे पाए। मेहरां दे साईं पातशाह आखदे हन, हे लाल, मैं इतना प्रसन्न हाँ, जो मंगो सो दिया। सोहना जी ने बेनती की, सच्चे पातशाह, जे त्रुटे हो तो उस फकीर नूं छड़ दिओ, असी भुलणहार जीव हाँ, साडे औगणा लई एक तेरी बख्शिश ते एक तेरा बख्शिया होया सिमरन दो ही दारू हन। यह प्यार दे वचन सुन के सतगुरां ने उस फकीर नूं भी तार दिता। परे दीवान विच मोहना ते सोहना नूं बड़ा माण दिता ते वड्याया। इन्हां दी शुद्ध आत्मा ने बाकी दा जीवन सेवा अते सिमरन विच उत्थे रहिंदिआं बतीत कीता। जिस धन को चार कुंठ उठतावे, सो धन हर सेवा ते पावे। हे पुरशा, जिस धन नूं लैण वास्ते तू चौहां कुंटां दिशा वल उठ दौड़दा है, ओह धन हरी दी सेवा तों पा लवेंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।